हेलो दोस्तों का फिर से मैं ट्यूचल में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों एक बहुत बड़ी भर्ती निकल कर रही है आपके सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में अभी भर्ती देने के मनसे में नहीं है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल एक होता है दोस्तों, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है इस स्कूल को, और साथ ही साथ इसमें यूपी पीआरटी से लेके टीजीटी पीटी सारी वैकेंसी आई है। लगभग 7-8 हज़ार वैकेंसी है। तो इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे। वो लोग सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो स्टेट या सीटेट दोनों क्वालिफाइंग नहीं है, चाहे वो बीएड किए हों चाहे वो डीएलएड किए हों, सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यूपी पीआरटी की बात करेंगे तो टीजीटी पीजीटी की बात छोड़ देते हैं। टीजीटी में देखिए जो बीएड किए हों वो डाल सकते हैं, और जो पीजीटी का फॉर्म डालना चाहते हैं वो पीजी करना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, चाहे एमए हो एमएससी हो, जिस सब्जेक्ट से आपको करना है वो लोग वहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। हम डायरेक्टली बात करते हैं यूपी पीआरटी की, क्योंकि दोस्तों इस समय यूपी पीआरटी के लिए डीएलएड करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, क्योंकि जितने भी बात करते हैं बीएड में भी कर रहे हैं जो प्रशिक्षु, वो भी डाल सकते हैं जो मतलब पास हो चुके हैं बीएड में, और जो भी डीएलएड में फोर्थ सेमेस्टर पास हो चुके हैं वो डाल सकते हैं। चाहे टेट सीटेट क्वालिफाइंग हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको मैं डायरेक्ट वेबसाइट पर भी ले जाकर दिखाएंगे कि ये वेबसाइट कहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, सारी बात इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि टीचर भर्ती के लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी टीचर भर्ती, चाहे केबीएस एनबीएस चाहे TTSB चाहे आपके आर्मी स्कूल चाहे यूपी पीआरटी चाहे छत्तीसगढ़ पीआरटी, जो भी आता है दोस्तों इस चैनल पर आपको न्यूज़ मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ जितने भी टीचर की वैकेंसी का जितने प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, एक एक तरह के सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, इन सब चीज़ें के बारे में बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपको सबसे पहले बता दें कि जो नोटिस है इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वहाँ से डायरेक्ट लिंक दे देंगे। देखिए लिंक खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक एक लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे टेलीग्राम पर भी आपको मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सीधे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से ये है दोस्तों, ठीक है, और ये फर्जी नहीं है, ये एकदम बिल्कुल सत्य है। और साथ ही साथ आपको इसके तीन प्रोसेस होते हैं। पहला तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो एग्जाम होगा 19 या 20 तारीख को फ्लोरिंग पेपर होगा, ठीक है। उसका पेपर होने के बाद दोस्तों एक इंटरव्यू होता है, मतलब पढ़ाने का तरीका देखा जाता है कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं कैसे नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरा वाला आपके लिए नहीं है, तीसरा वाला आपका जो कंप्यूटर टेस्ट देना चाहता है, जो कंप्यूटराइज काम करना चाहता है उनके लिए है, ठीक है। तो दो स्टेज आपके लिए होगा, जो प्राइमरी के जो एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। इसके सेंटर यूपी में कम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में बनाए, यूपी में सेंटर भी कम है, जैसे आपका गोरखपुर, मेरठ, नोएडा और आपका लखनऊ, इस तरह से मतलब 6 सेंटर बनाए गए हैं यूपी में। आपको सारी बात इसमें बता देंगे, और कौन कौन भर सकता है ये बता सकते हैं, बता देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आइए, नीचे जो दिया मेन, देखिए मेन यहाँ पर है, ये पॉइंट पढ़िए। पढ़ाना क्या, मैं आपको देखिए पूरा पॉइंट नहीं पढ़ के बताएंगे, डायरेक्ट बातें बताएंगे। जैसे पीजीटी के बारे में बता दिए हैं, और इसमें देखिए 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 50% होना चाहिए, लेकिन इन बीच वाला जो है सो टीजीटी में बीएड होना अनिवार्य है। और पीआरटी में दोस्तों आपका बीएड होना चाहिए, देखिए आप लिखा है बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा एलिमेंट्री, मतलब कोई भी डिप्लोमा कोर्स 4 साल का होना चाहिए या फिर 2 साल का होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो 4 साल या 2 साल का, बीएड किए हैं तो 2 साल का, एक कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। ये 50% होना चाहिए, उसे 50% सबका होता है। बात करते हैं अब इसका दोस्तों कि एज की, एज 40 साल होना चाहिए फ्रेश कैंडिडेट का, 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्ट आते हैं एग्जाम के बारे में दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आपका 7 कल से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है, 7 जनवरी से लेके कल से प्रारंभ हुआ था, 28 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। फीस का है 385 रुपया है, सभी लोग 385 रुपये का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल वही लोग करेंगे जो एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि फीस रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट जो है दोस्तों कब आएगा, रिजल्ट कह रहा हूँ, रिजल्ट तो 28 फरवरी का आएगा, गलती से मैं बोल दिया, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होगा 19 या 20 फरवरी को आपका होगा, ठीक है, 19 या 20 फरवरी के, यदि पेपर नहीं हो सकता है कोरोना के कारण, यदि टलता है तो 2-3 महीने के लिए टल सकता है, लेकिन पेपर होना अनिवार्य होता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है आर्मी पब्लिक स्कूल प्राइमरी में। तो आप लोग इसको भर सकते हैं, जो टेट सीटेट क्वालिफाइंग नहीं किए हैं वो भी भर सकते हैं, बीएड किए हुए वो भी भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये लिंक कहाँ मिलेगा आपको, तो लिंक आपको हम डायरेक्ट डाल देते हैं, अभी मैं आपको बताते हैं। पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो डिग्री की बात चल रही है, आपको मैं डिग्री दिखा देता हूँ। पीआरटी के लिए डिग्री जो मांगा गया, देखिए सीधे यहाँ भी देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, और यहाँ पर क्या मांगा है कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे सवाल मेरे पास आएंगे कि सर कि इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है दोस्तों। आपको मैं ये सारा प्रोसेस हम भेज देंगे, आपका इसमें GS भी आएगा, और आपका करंट अफेयर्स भी आएगा, और आपका बाल विकास भी आएगा, इस तरह से आपका पूरा टोटल मिला के आपको जो भी होगा दोस्तों आपको भेज देंगे
ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, चैट व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आपको जो वीडियो नया आएगा दोस्तों उसमें आपको बता देंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितने तैयारी करना है, कितने नंबर का आएगा, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जो सेंटर की बात कर रहे थे दोस्तों, देखिए सेंटर आपका बहुत कम सेंटर ईपी में बना हुआ है, यहाँ पर आप दिखा दें आपको, तो यहाँ पर नोएडा से लेकर शुरू होता है, नोएडा से नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, बरेली, और इधर आ जाएंगे तो आपका इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद मेरठ आ जाएगा, मेरठ हो जाएगा और कानपुर हो जाएगा। इस तरह से आपका लगभग 7-8 सेंटर यूपी में बना हुआ है दोस्तों। और एक बात और है इसमें दोस्तों कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो भर्ती है दोस्तों, इसमें आपका इंटरव्यू होना अनिवार्य होता है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाइंग करने बहुत लोग क्वालिफाइंग कर लेते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग करने के बाद जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू किस बेस पर होता है दोस्तों, टीचिंग बेस है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाता है, टीचिंग पढ़ा पाते हैं कि नहीं बच्चों को, इस टाइप से आपको देखा जाएगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। और एक बात और इसमें दोस्तों कि आपका बहुत लोग कह रहे हैं कि दोस्त कि ये फर्जी है, फर्जी है दोस्तों, फर्जी नहीं है, आपको ऑफिशियल साइट पर चल के आपको दिखा देंगे वीडियो, ठीक है। तो अभी आपको मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, आपको टेलीग्राम पर वहाँ से भी देख सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या लगेगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।